हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ गुड़ वाली मीठी इमली के अचार की रेसिपी। तो इमली को देखकर ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसकी अचार, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 से 2 साल और आराम से खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिया है, जो कि यहाँ पे इमली 1 बॉल है और 1 बॉल गुड़ लिया है। आप चाहे तो इमली को जो अलग अलग भी कर सकते हैं और उसके बीज निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं किया, बस थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। अब मैं मसाले के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 5 फ़ोरन लिया है, जो कि पीस करके लेना है। मैं यहाँ खड़ा दिखाई हूँ, लेकिन इसे पीस करके लेना है, जो कि मैंने 2 चम्मच लिया है। प्लस उसके साथ 2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर लेंगे, लाल मिर्च 2 चम्मच लेना है, और साथ ही में हम स्वाद अनुसार नमक लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसे थोड़ी देर तक गर्म होने देंगे। ये देखिए, जब गर्म हो जाए तो जितना भी गुड़ था, हमने जो गुड़ लिया था उसे चूर कर देंगे और उसमें डाल देंगे कढ़ाई गर्म तेल में, और साथ ही में थोड़ा सा बस पानी डाल के गुड़ को है जो पूरी अच्छी तरह से पिघला देंगे। गाइस, मैंने यहाँ पे जो गुड़ है वो 4 से 5 जो ढेला होता है गुड़ का वो लिया है। आप अपने हिसाब से जो इमली जितना होगा उतना मेज़र करके ले सकते हैं। जैसे 1 जो बॉल इमली था, उसी हिसाब से 1 बॉल गुड़ लिया है। तो गाइस, अगर आपको मेज़र करने में प्रॉब्लम होगा गुड़ कितना ले, इमली कितना ले, तो अगर आप 1 बॉल इमली लीजिएगा तो उससे 1 बॉल से थोड़ा सा ज़्यादा आप गुड़ ले लीजिएगा, जिससे कि टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। और अगर कम हो जाएगा तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा अचार। तो ये देखिए, अच्छी तरह से गुड़ जो है वो पिघल चुका है। अब जो भी यहाँ पे मैंने इमली लिया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। गाइस, ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी है, आप सभी ट्राई कर सकते हैं इसे बनाकर, और 100% इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर ये रेसिपी आप ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से जो इमली था वो मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो चलिए गाइस, हम मसाला इसमें ऐड करते हैं। तो मैंने जो मसाला 1 में निकाल के रखा था वही सब कुछ ऐड करना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है। पे मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जो 5 फ़ोरन लिया हुआ था पीसा हुआ, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया था, और 1 टीस्पून जो है वो नमक लिया था। आप नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो टेस्ट करने के बाद। ये देखिए गाइस, अगर आपको ये कुछ ज़्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा में। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मसाला को जब हम मिक्स कर देंगे तो ये जो इमली को जो रस है उसे थोड़ा 5 मिनट तक बॉयल होने के लिए रहने दीजिएगा। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आप किसी भी कंटेनर में इसे डाल करके 1 से 2 साल आराम से आप इसे स्टोर कर सकते हो, और जब मन चाहे तब आप इसे खा सकते हो, इसका टेस्ट ले सकते हो। देखिए गाइस, ये जो जब ठंडा हो जाएगा तो ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा और चाशनी अच्छी बन जाएगी। तो गाइस, ये जो रेसिपी है आप इसे अच्छी तरह से स्टोर भी कर सकते हो, 1 से 2 साल तक खा सकते हो आराम से। तो ये देखिए गाइस, ये जो इमली का अचार था वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो अभी इसे हम कंटेनर में डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।